रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, अपनी सोच तब्दील करोगे तो दुनिया भी तब्दील हो जाएगी। असल में हमारी सोचें ही महदूद होती हैं। अल्लाह ताला ने कहा है, उम्मीद का दामन जो है वो मत छोड़ो, हमेशा अल्लाह से पुर उम्मीद रहो, मुकाबला करने का सोचो। पुरानी सोच सोचोगे तो नतीजा भी पुराना आएगा। मनफी सोच को मुस्बत सोच से बदलो। वसाइल देना अल्लाह का काम है, हमारा काम अल्लाह पे भरोसा करते हुए कोशिश करना है। अंदर की आवाज़, आपकी सोचें आपको अमीर या गरीब बनाती हैं, नाकाम खुश या उदास, जाज़िब नज़र या बादहियत, ताकतवर या कमज़ोर बनाती हैं। अच्छी सोच रखोगे तो अच्छा नतीजा पाओगे। अपनी काबिलियत को पहचानें, ज़िंदगी की कदर करें, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उनका शुक्र अदा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, वो शख्स हलाक हुआ जिसका आज गुज़श्ता दिन से बेहतर नहीं है। मुसलसल अपना मुहासबा खुद करो कि कल ये कमी रह गई थी, आज ये नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए अपनी ज़िंदगी का इंतखाब करो। बामकसद ज़िंदगी जियो, क्योंकि जितना बड़ा मकसद होगा मेहनत भी उसी के हिसाब से होगी। आप क्या कर सकते हैं, एक ज़िंदगी में मकसद बना ले, अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह को जाने, अल्लाह को पहचाने, दुनिया खुद ही राज़ी हो जाएगी। शहनशाह कायनात, रब्बे कायनात राज़ी हो गया तो बाकी तो सारी उसकी मखलूक है। और फिर अल्लाह ने कहा, मेरे नबी को, नबी की पैरवी करो, जिसने मेरे नबी से मोहब्बत की उसने मेरे से मोहब्बत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जाने, उसके तरीके पर चलें और अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाएं। अलामा इकबाल ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जहाँ ये चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो आज हम कर रहे हैं कॉन्सोनेंट में डाइग्राफ्स, और डाइग्राफ्स में आज हम टी एच थ की साउंड निकालते हैं, तो हम टी एच वर्ड्स करेंगे। तो देखो, लुक, से, कहो एंड राइट और लिखो, यानी आपको प्रोनंसिएशन भी आनी चाहिए, आपको पहचान भी होनी चाहिए, आपको लिखना भी आना चाहिए। तो ये है थ्री, उर्दू में तीन को कहते हैं। ये है थॉन, थॉन कहते हैं कांटे को, थॉन। और ये है पाथ, पाथ कहते हैं रास्ते को, पाथ। और अगर पी को बी से कर दें तो बन जाएगा बाथ, नहाना, बाथ। और ये है मौत, मौत पतंगे को कहते हैं, मौत पतंगा आपने बरसात में देखा होगा। टीथ, टीथ जो है टीथ दांत को कहते हैं, दांतों को। और ये है थंब, थंब अंगूठा, हाथ का अंगूठा। और ये है क्लॉथ, क्लॉथ पीस ऑफ क्लॉथ कपड़े का टुकड़ा। और ये है माउथ, मुंह को कहते हैं, और अपनी ज़ुबान को मुंह के अंदर बंद रखना चाहिए तो बंदे की ज़िंदगी आसान हो जाती है। मैथ, मैथ हिसाब को कहते हैं, जिसमें हम प्लस माइनस और तकसीम करते हैं। फिर है नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ और साउथ, और ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट से सूरज निकलता है, वेस्ट में ग़ुरूब हो जाता है, और शमाली इलाके जो हैं वो पहाड़ी होते हैं, ऊँचे होते हैं। और अब हम जो है ना मैच करेंगे आप स्पेलिंग्स के साथ तस्वीरों को। जैसे ये लेफ्ट साइड पे जो हैं वो एक साइड पे वर्ड्स हैं, एक साइड पे पिक्चर्स हैं, तो आप इनके मैच करें। यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करें, अभी आप जो पीछे सीख के आए हैं आपका थोड़ा सा टेस्ट भी हो जाएगा, तो उम्मीद है आपने सही मैचिंग की होगी। थ्री मौत एंड पाथ। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है माउथ, थंब एंड टीथ, और राइट साइड पे स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं, तो आप इसको मैच करें। ठीक है, अब आप देखते हैं आपने बिल्कुल ठीक मैच किया है, शाबाश, माउथ टीथ एंड थंब। तो प्यारे बच्चों, हमने सीखा था कि अल्लाह अगर दे रहा है तो तुम देने से क्यों डरते हो। जो कुछ भी है, भली बात किसी को कहना, मुस्कुराहट, अच्छे अल्फाज से किसी का इस्तकबाल करना, आसानियां बांटना, तो अल्लाह हमें भला मांगे बहुत कुछ देता है, तो हमें भी लोगों में आसानियां बांटनी है। लाइक एंड शेयर द वीडियो।